हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, एजुकेटर, यूट्यूबर्स, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, इस यार कंसर्न इज वेरी अर्जेंट रिगार्डिंग द आईसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यार जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 3 साल से जो है COVID-19 सिचुएशन की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, किसी भी एंट्रेंस का एग्जाम नहीं दे पाते हैं, या फिर जस्ट बीमार है, जस्ट लाइक जो भी इश्यू था, इसके कारण जो है ऑलमोस्ट इंडिया के जो एंट्रेंस एग्जाम थे उसके अंदर ऑलमोस्ट जैसे IIT JEE का हमारा एग्जाम होता था उसके अंदर हमारे पास 2 अटेम्प्ट होते थे, यानी कि एक 12th में जिस साल पढ़ रहे हैं, एक दिन आगे वाला ईयर होता था, ठीक है, 2 साल का होता था, लेकिन ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन इसको एक्सटेंड किया गया और 1 साल को बच्चों का और मौका दिया गया। यानी कि इस साल अगर 2022 चल रहा है तो जनरली जो है इतने साल कोविड से पहले क्या होता था, 2021 एंड 2022 2 साल के बच्चे इलिजिबल होते थे, लेकिन इस बार जो है 2020 वाले बच्चे भी इलिजिबल हैं IIT वगैरह टेस्ट के लिए या फिर NICER टेस्ट के लिए। लेकिन एक यार मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसर्न आ रहा है रिगार्डिंग द आईसर एडमिशंस। आईसर एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सेंड किया गया है आईसर JEE टीम की तरफ से, जो भी ISEREadmission.in वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं 10+2 इक्विवेलेंट लेवल एग्जाम साइंस स्ट्रीम इन 2021 और 2022 दो साल जो है 2021 और 2022 वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 2020 वाले बच्चों को कोई भी का नहीं दिया गया है, राइट यार। लेकिन अगर वैसे अगर अपन देखें जैसे कि IIT JEE है, यानी कि JEE एडवांस है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन की अगर अपन बात कर ले, या फिर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन है अगर उसकी अपन बात कर ले, तो उनके पास जो है मौका दिया गया है उनको। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डिमांड था कि भैया हमें भी ये मौका मिलना चाहिए और आईसर को जो है इसको अपडेट करना चाहिए, COVID-19 सिचुएशन की वजह से जो है इसको एक मौका बच्चों को मिलना चाहिए 2022 का। यार ऐसा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल जो है इसके रिगार्डिंग एक बच्चा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्यू टू एक बच्चा ऐसा केस आया था, आप लोगों ने भी सुना होगा कि उसको जो एप्लीकेशन जो भी IIT JEE की सीट अलॉट होने के बाद जो है सीट का एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे कर पाया था, देन जो है उसकी बैंक का फेलियर था, बैंक इश्यू था, देन जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस रेस किया गया, देन सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट, बखूबी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आया है कि ये बच्चा जो है पढ़ के हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो इसको जो एक मौका मिलना चाहिए, इसको IIT के अंदर सीट मिलनी चाहिए। जब यार एक चाय वाला बच्चा, एक चाय वाला जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक नॉर्मल परिवार से जो बिलोंग करता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, IIT में जाके बच्चा दुनिया की टॉप एजुकेटेड टॉप टेक कंपनी गूगल का हेड CEO बन सकता है सुंदर पिचाई जैसे लोग, सर आईसर में पढ़ के हमारे देश के बच्चे क्यों नहीं आगे जा सकते, तो क्या उनके लिए उनकी वो जो है हमारे देश का नाम कर सकते हैं, वो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो क्या उनको एक मौका देना बहुत गलत बात होगी? आपको क्या लगता है, क्या उनको जो है 2020 वाले बच्चे हो सकता है आईसर में पढ़ के वो हमारे देश का आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 10 साल बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए? आपको क्या लगता है, क्या हमको जो है उसको मौका देना नहीं चाहिए आईसर के अंदर? तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं जो है आईसर का हेल्प डेस्क ईमेल आईडी नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, और एक ट्विटर पर जो है वो भी लगा रहा हूँ, ठीक है, कैंपियन, तो जस्ट आप प्लीज सपोर्ट करिए 2020 वाले बच्चों को जो है आईसर में एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का एक मौका मिलना चाहिए। अभी तो यार एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो आप लोग अगर चाहे तो कुछ हो सकता है, और यार जब एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो जो है आईसर में पढ़ के बच्चे क्या नहीं कर सकते, आपको भी सोचना चाहिए ना। और क्या एग्जाम देने के लिए क्या यह कोई गलत बात है कि 2020 वाले बच्चों को अगर हम एक मौका दे भी देते हैं, भगवान मान के भी अगर आईसर वाले एक बच्चा उनको मौका दे भी देना, तो देश का कुछ भला हो सकता है, ठीक है यार। आप सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे पोस्ट शेयर कर सकते हैं, ये दिस इज एन कॉमन क्रिएटिव रीयूज अलाउ वीडियो, आप इस वीडियो को शेयर करिए, आप JEE को जो है ईमेल करिए 2020 वाले बच्चों के लिए। और यार JEE का ये बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है इस बार की 60% क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि हमेशा जो है ओनली फॉर टॉप 20% बच्चों को लिया जाता है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यार
देश के जो भावी जो स्टूडेंट्स है 2022 से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों की क्वारी आ रही थी, बच्चे रो रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि भैया आईसर हमारा डिजायर्ड ब्रांच है, आईसर में हमें पढ़ना है, हम रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, आगे हम बढ़ना चाहते हैं। तो यार अगर वो लोग इस फील्ड के लिए इतने तत्पर है, अगर उनका इतना इंटरेस्ट है, तो उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए आखिरकार उनको मौका? मिलना चाहिए यार, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो यार आईसर वाले अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनको एक मौका मिलना चाहिए। और हाँ, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये भी हमारे देश के भावी रिसर्चर बने, क्योंकि ये जस्ट आप सभी को पता है, ठीक है, हर फील्ड में आप देख रहे हो, हर फील्ड में आप देख रहे हो अभी, क्योंकि जीरो से लोग स्टार्ट करके टॉप 10 तक जा रहे हैं, टॉप तक जा रहे हैं। ओके, ये जस्ट लाइक अंबानी है, अडानी है, ये जिस गाँव में देख रहे हो MBA चाय वाला है, स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं, रिसर्च में बहुत ज़्यादा ताकत है यार, बहुत ही ज़्यादा। और आईसर हमारे देश के लिए एक जन्नत है, और वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम ही तो ले रहे हैं, कोई हम डायरेक्ट एडमिशन तो मांग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर जिसका जिसका पोटेंशियल है, जो मेहनत कर रहा है, वो ज़रूर आगे जाएगा। तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका मिलना चाहिए, 100% बिल्कुल मिलना चाहिए। जो भी 2020 में जिन लोगों ने 12th पास किया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। आपका कोई YouTube अकाउंट है तो आप इसको जो है अपने YouTube पे भी डाल सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच यार, आईसर वाले बच्चों की इतनी हेल्प कर सकते हो आप, हमारे देश के भावी रिसर्चर बन सकते हैं, आने वाले देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आपके राज्य के स्टेट के जो CM बन सकते हैं, आपके देश का नाम ऊपर कर सकते हैं रिसर्च के अंदर। जैसे नीरज चोपड़ा जी है, पूरे देश को मतलब आप देख सकते हो क्या पोजीशन है ओलंपिक के अंदर, ठीक है, रिसर्च के अंदर बहुत पोटेंशियल है, रिसर्च के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, हमें जस्ट रिसर्च की जस्ट इक्विपमेंट्स नीड्स है, फ्यूचर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए यार। अभी जस्ट इंडिया ने M70 का रशिया से डील कैंसिल करके मेक इन इंडिया मिशन स्टार्ट किया है। अब जस्ट यार रिसर्च के अंदर इतनी ताकत है, तो क्या हम जस्ट अगर उनको एक मौका अगर दे दे तो क्या है? गलत बात होगी यार, उनको एक मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ यार उनको सपोर्ट करिए, जो कि 2020 के अंदर जिन बच्चों ने 12th पास किया। धन्यवाद।